नमस्कार, ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पाकिस्तान में ऐसे ऐसे नायाब हीरे मौजूद हैं जिनका पूरी दुनिया में कोई बदल नहीं है। भारत से सब्जियों का निर्यात बंद हो जाता है तो ये एटम बम लहराने लगते हैं, भारत में गंदे नाले का पानी छोड़ने लगते हैं। पाकिस्तान में एक और नायाब हीरा दरियाफ्त हुआ है, ये एक मुफ्ती हैं। इन्हें आज़ादी मार्च से खोद कर निकाला गया है। इनकी होशियारी और काबिलियत से पाकिस्तानी तो गश खाकर गिर ही रहे हैं, अंग्रेज गोरे भी अपना सर धुन रहे हैं। इनका नाम मुफ्ती किफायतुल्लाह है। ये जमीयत उलमाए इस्लाम फजल के केंद्रीय नेतृत्व में शामिल हैं। अभी हाल ही में जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आए हैं। इन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने 31 अक्टूबर को आज़ादी मार्च के दौरान लोगों को हिंसा के लिए उकसाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। आज़ादी मार्च के दौरान भी इन्होंने अपने समर्थकों को अपने बेशकीमती बातों से फ़ायदा पहुंचाया होगा, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। लेकिन यहां तक तो ठीक था। बात तब बनी जब इन्होंने एक ऐसा बयान दिया कि जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए। किसी को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। सबने एक दूसरे की बगलें झांकी, कहीं कोई सपना तो नहीं आ रहा है। मुफ्ती साहब ने एक पाकिस्तानी टीवी चैनल के प्राइम टाइम डिबेट में कह दिया कि विकिलीक पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान का साला है। किसिंजर यानी हेनरी किसिंजर और इमरान खान की पूर्व पत्नी जमैमा गोल्ड स्मिथ का फर्स्ट कजन है। इमरान भी उन्हीं लोगों में से है। ये सब यहूदी हैं, ज़ायनिस्ट हैं, इसराइल के इशारे पर काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, क्या कहने। एक मशहूर इसराइली अखबार ने लिखा था कि इमरान सरकार इसराइल से राजनयिक संबंध बनाने की फिराक में है, इस जुगत में लगी हुई है कि किसी तरह से फिर से इसराइल के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बन जाएं। वजह यह बताई गई कि पाकिस्तान ने अरबों की वजह से इसराइल से पंगा मोल ले रखा है, वरना इसराइल तो उसके साथ पिछले 70 साल से राजनयिक संबंध बनाने के लिए बेताब है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक मुफ्ती साहब और उनके पार्टी के सर्वोच्च नेता मौलाना फजलुर रहमान इस बात से बेखबर हैं। उन्हें इसका बिल्कुल इल्म नहीं है, वरना मुफ्ती साहब तो आसमान ज़मीन के तलाबे मिला देते और अब तक पाकिस्तान में खून खराबा हो गया होता। पाकिस्तान में कैसे कैसे नायाब हीरे मौजूद हैं। मुफ्ती साहब का नाम तो किफ़ायतुल्लाह है, लेकिन मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये फतवे सादिर करते समय किफ़ायत से बिल्कुल ही काम नहीं लेते होंगे। मुफ्ती के साथ साथ ये नेता भी तो हैं, कम बोलने से कैसे काम चलेगा। और यदि इसराइल इनकी तकरीर के दौरान वारिद न हुआ तो फिर यदि पंजाबी लहजे में कहें तो इन्होंने तो निवाला ही नहीं तोड़ना। ये अपने शागिर्दों के सामने मुंह कैसे दिखाएंगे। मुफ्ती साहब जब ये खूबसूरत अल्फाज अपनी जुबान से अदा कर रहे होंगे तो उनके कई शागिर्द इन अल्फाज को फूल समझकर ज़मीन पर गिरने से पहले ही लपक कर अपनी अपनी आँखों से लगाने के लिए बेताब होंगे। चूँकि ये मुफ्ती हैं, इसलिए दुनिया भर के मामलों पर लोगों को अपनी बेशकीमत राय से नवाजते होंगे और जो लोग इनके पास अपने मसलों के हल के लिए आते होंगे, इनसे फतवे मांगते होंगे, वो इनकी राय को पत्थर की लकीर समझते होंगे। कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। मुफ्ती साहब उस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में शामिल हैं जो इमरान खान का तख्ता पलटकर खुद उनकी कुर्सी हथियाने की जुगाड़ में लगी हुई है। आज़ादी मार्च कर रही है, इस्लामाबाद में हंगामा बरपा है, फौज ने इमरान खान के सिर से अपना हाथ खींच लिया है। इमरान बेचारा मौसम की खराबी और बारिश को देखते हुए उसी का तख्ता पलटने आए मुफ्ती साहब के तालिबों की मदद के लिए डॉक्टर भेज रहा है। बेचारे गरीब तालिबे इल्म सियासत के पचड़े में पड़ गए हैं, लेकिन मुफ्ती साहब के बयान के बाद इमरान के कई कट्टर विरोधी अब अपने विरोध पर पुनर्विचार करने लगे हैं। वो इस दुविधा में पड़ चुके हैं कि यदि मुफ्ती किफायत जैसा जय्यद आलिम पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया, दुनिया में पाकिस्तान की क्या ही इज्जत अफजाई होगी। यार लोग,
इकबाल के इस शेर को समझ नहीं पा रहे थे कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। आज मुफ्ती साहब की वजह से यारों पर इकबाल का असल मंशा जाहिर हुआ है, वरना पहले तो वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि जमहूरियत और तौल का क्या रिश्ता है। इकबाल दरअसल मुफ्ती साहब जैसे साहिब राय और वजनी लोगों की बातों की वजन की बात कर रहे थे। मुफ्ती साहब की काबिलियत और इनकी इल्मियत ने जमैमा गोल्डस्मिथ, जो इमरान की पूर्व पत्नी हैं, को इतना प्रभावित किया कि वह खुद ट्विटर पर हाजिर होकर मुफ्ती साहब को कॉर्निश बजा लाई और अपने दूसरे दूर और नज़दीक के ममेरे, चचेरे, फुफेरे, भाइयों की फहरिस्त मुफ्ती साहब के हुजूर में पेश कर दिया। जमैमा ने बताया कि पनामा लीक उनका मौसेरा भाई है, विकिपीडिया उनका चचेरा भाई है। अभी जमैमा ने अपने दो भाइयों का ही जिक्र किया था कि दूसरे लोग उनकी मदद के लिए आन मौजूद हुए। फिर पता चला कि वाटरगेट उनका दूर का चचा है। कई तो आपस में झगड़ने लगे कि किफायत लीक विकी लीक का असल चचा है। जब बात पाकिस्तान की हो तो हिंदुस्तानी कैसे पीछे रह सकते थे। इन्होंने भी जमैमा के भारतीय रिश्तेदारों को ढूंढना शुरू कर दिया और कई रिश्तेदार ढूंढ निकाले। कहने लगे कि कोलगेट, 2G, स्नूप गेट वगैरह भी जमैमा के दूर के रिश्तेदारों के रिश्तेदार हैं। अभी जमैमा के रिश्तेदारों की खोज जारी है। लेकिन इस बीच ऐसे बेवकूफ इमरान विरोधियों का सुराग भी मिल गया है जो कह रहे हैं कि इमरान का विकल्प यदि मुफ्ती साहब जैसा ही होनहार और ज्ञानी है तो इमरान ही गनीमत है। आदावर्स। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।